भाई क्या का साउंड है यार। एक रुपया का हाँ गोसाराट पार्क ना कि बोला ना इको पार्क। थोड़ा सा गलत सीन होते होते बच गया क्योंकि हम लोग तो देख लिया आपने ना, तो अब मैं दिखा दो आपको ये पार्क का दूसरा पार्ट। ठीक है हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फिर आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और बहुत दिन के बाद निकल रहा हूँ ना राइड पे। सिक्किम से आने के बाद में ये मेरा फर्स्ट राइड है आज को, तो देखते हैं कहाँ पे जाना होता है। अभी तो मालूम नहीं हम कहाँ पे जा रहे हैं, सो कमेंट में बताना ठीक है आप लोग कैसे हैं। और गाइस ये भी बताना कि मेरा जो सिक्किम वाला ब्लॉग सब था वो कैसा था। ठीक है, उसमें तो आपने बहुत सारा प्यार दिया है मुझको, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही बढ़िया वीडियोस तो आते रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ और भी कहीं जाने के लिए बाहर थोड़ा, पर ये बारिश के लिए ना मेन प्रॉब्लम है। देखिए ना आज भी मैं ना निकल रहा हूँ कहीं पे और आज भी मतलब मौसम उतना अच्छा नहीं है। एंड गाइस आप मेरा जो कि 2K सब्सक्राइबर पहुँचने वाला है, तो प्लीज़ मुझको हेल्प कीजिएगा। एंड थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स जो मेरा वीडियोज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम लोग पहुँच चुके देवपाड़ा। यहाँ से हमें दो बंदा जो कि है ज्वाइन करने वाला, पर वो लोग कहाँ पे है मुझे मालूम नहीं है। लेट्स सी वेयर आर दे। ओह बाइक तो यहाँ पे, तो शायद यहीं पे होगा ना। बाइक तो उधर है पर उधर से नहीं आ रहा है, कहाँ पे मालूम नहीं है। ओ ये लोग इधर से आ रहे हैं। अरे ये विवेक भाई है, यानी पैरिस भाई, TRA ब्लॉग से उनका चैनल का नाम। झुमझुम ढीलो भाई ना। और झुमझुम ओहो ये तो सही नहीं यार, बारिश गिर रहा, बारिश चालू हो चुका है यहाँ पे। ये सही नहीं, ये सही नहीं है। अभी बानवाड़ जाना पड़ेगा अंदर हमें पेट्रोल के लिए। और ये क्या हो गया फिर, जब भी हम लोग ग्रुप में आते हैं ना, तो ग्रुप में आना कोई मजा कुछ और है, क्योंकि ग्रुप में बातचीत करते हो हंसी मजाक होते रहता है। पर जब आप अकेले आते हो फिर उसमें थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। अकेले में तो बोरिंग होता है पर उसका भी कुछ मज़ा और है। पर बाइक तो अकेले जाते हो ना, अकेले जहाँ भी रुकना पड़ता अकेले सब कुछ, क्या उसमें कुछ मज़ा है। और देखिए ये है डुअर्स का खूबसूरत नज़ारा जो है ना, ऐसा ही मिलता है सिर्फ। इधर से रास्ता जा रहा है, इधर से ट्रेन वगैरह चल रहा है, ऊपर से पीछे में दिखाई पड़ेगा आपका पहाड़ भूटान का। और क्या अच्छा है गाइस, आप लोग बहुत अच्छा जगह पे हो, हम लोग नॉट आप लोग, हम लोग बहुत अच्छा जगह पे है कि इतना सुंदर से नज़ारे के अंदर बीच में हम लोग रहे। तो गाइस आपको मोरागढ़ पहुँचने के बाद में आपको लेना पड़ेगा राइट टर्न। हाँ ये रहा आपका राइट टर्न, इधर से जाना पड़ेगा आपको, तो दिस इज़ द करेक्ट वे। आप बिना वो भी जा सकते हैं पर थोड़ा सा लॉन्ग कट गिरता है उधर से, तो रास्ता सही रास्ता ये वाला है। अभी पेट्रोल भी मैंने डाला नहीं है तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और जो ये वाला रास्ता है ना गाइस, ये रास्ता में तो पहले मतलब अभी नहीं बट पहले समय में मतलब रात में ना एक भी गाड़ियाँ नहीं चलती थी इधर से, क्योंकि बहुत सारा मतलब क्या डकैत वगैरह इधर में रहता था। सुनने में तो आया है, मैंने अपना लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर पापा लोग भी कहा करते थे कि हाँ ये रास्ता बहुत डरावना है, रात को मौत का भी मौत आना, हाँ बहुत सारा आदमी मर्डर वर्डर हो चुका है ये रास्ते पे। तो देखे ना छोटा रास्ता है ना, रात में तो गाड़ी अभी उतना गाड़ी नहीं चलता है, पर ये रास्ते पर थोड़ा सा छोटा है ना रास्ता, तो थोड़ा सा डर हमेशा बना रहता है ये रास्ते। एंड ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि मैं आज नहीं निकलूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं वो 2-3 दिन तो हो चुका है, फिर मुझे कल में वीडियो भी डालना है, तो इसलिए मुझे निकलना ही पड़ता है। मेरा तो काम बहुत ज़्यादा रहता है फिर भी मैं निकलता हूँ जस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट मी। सपोर्ट तो आप लोग कर रहे हैं पर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको उसके अगला बंदा बैठा है तो उसको भी थोड़ा बोल देना कि भाई का चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दो बोल के, तो 2K जल्दी पहुंच जाएगा अगर ऐसे आप सपोर्ट करते रहोगे। एंड गाइस बहुत प्यार मिला है मुझे, मैं मतलब वो आप कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है थैंक यू सो मच। और आगे वाला जो दिन आ रहा है अगर सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाता है तो तब भी वैसा होता नहीं कि क्योंकि होता है ना कि उसका डिमांड बढ़ जाता है कि ज़्यादा भाव हो गया, वैसा मैं नहीं हूँ गाइस। लाइक मैं जिस तरह से बड़ा हुआ हूँ ना
मैं वैसा कभी नहीं हो पाऊंगा। तो थोड़ा सा अलग ही है क्या कुछ मन में भेदभावना दूसरों के लिए, क्योंकि वैसा टाइम से मैं गुजरा हूँ, एक समय में बहुत ख़राब टाइम से गुजर के मैं बड़ा हुआ हूँ। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके गरगटा और गरगटा से हमें लेना है राइट। तो मेरा बाइक में फ्यूल थोड़ा सा कम है, तो पहले मैं लेफ्ट जाके पेट्रोल डाल के आता हूँ, ठीक है? फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना मंजिल की ओर, उधर से जाना है हमें, ठीक है? तो पहले मैं पेट्रोल डाल के आता हूँ। ये है गरगटा बाज़ार, बहुत बड़ा हो चुका है, पहले इतना बड़ा नहीं था ये बाज़ार, तो अब बहुत ही बड़ा हो चुका है बाज़ार, देखिए ना दुकान वगैरह बहुत सारा हो चुका है यहाँ पे। पेट्रोल के लिए मुझे थोड़ा सा रॉन्ग रूट लेना पड़ा है, क्योंकि रास्ते में पेट्रोल पम्प नहीं होता है ना, तो ऐसे ही होता है कि ओ माय गॉड, देखिए देखिए देखिए, रेस 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 रेस। ओ ये बंदा रेस करेगा, बट ये रेस नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ही दोस्त है, मेरा ही भाई है ना, ये रेस नहीं करेगा। ओ पेट्रोल पंप को ढूंढना पड़ेगा, पेट्रोल पंप कहाँ पे है? पेट्रोल पंप के लिए कम से कम मुझे 5 किलोमीटर बाइक चलाना पड़ा है आज। अब डाल लेता हूँ, अभी थोड़ा भैया से भी थोड़ा मजा करना पड़ेगा। एक रुपये का हाँ, एक का तो नहीं होगा ना, 200 का डाल दो, 10 रुपये का, 100 होगा, डाली बार बार नहीं देंगे। हाँ वही बात है, लो 200 का डालो, 200 का डाल, गरम हो गया वही तो, गुस्सा होने का बात नहीं ना भैया, एक बार ही डालेंगे। अच्छा, 1 रुपया कितना मिलेगा? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट बोले तो मतलब एक बूंद या भी नहीं, 1 पॉइंट मतलब कितना होगा? 10। अच्छा, मतलब बाइक हिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब गुस्सा मत होइए। चलिए पेट्रोल डाल लिया, अब निकलते हैं टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। चलिए, पेट्रोल तो मिल चुका है, वो भी बहुत ढूंढना पड़ा है पेट्रोल के लिए, हमें बहुत सारा दूर तक जाना पड़ा है पेट्रोल के लिए। तो अब सीधे सीधे चल जाएंगे जहाँ पे जाना है, प्लेस का नाम बता देता हूँ मैं आपको, गोसाइर हाट इको पार्क, ठीक है? गोसाइर हाट इको पार्क मैंने कुछ दिन पहले हाल ही में जो सुना है, तो आप सीधा वहाँ पे जाएंगे। चलो पेट्रोल डाल लिया है, अब हमें जाना है स्ट्रेट, और हम लोग तो आए थे ना, तो उधर से आया था हम लोग, ठीक है, लुकसान से, तो अभी हम लोग को स्ट्रेट जाना है। पूरा दबंग होके बैठा, दबंग पुलिस वाले। दबंग चश्मा लगा के बैठा है। भाई कितना देखियो तो यहाँ पे, बाप रे, पूरा फॉरेस्ट का लट्ठा देखे ना, काट जो की है खुंटी मारी टिम्बर फॉरेस्ट, बाप रे इतना सारा काट देखिए तो यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल खुंटी मारी सेंट्रल डिपोर्ट, अच्छा अच्छा रेंज ऑफिस है, ये रेंज है यहाँ पे, पर हमें कहाँ से जाना है? इतना बड़ा वाला हाँ, उधर से है रास्ता, हम लोग अभी बस पार करने वाले थे रास्ता यहाँ का। अगर आप लोग इधर से आएंगे ना, तो इधर से जाना पड़ेगा, उधर से आएंगे तो इधर घुसना है, ठीक है? ये देखिए बोर्ड, ये बोर्ड से आपको इधर लेना है, शायद यही वाला रास्ता है। मुझे भी सही तरह से मालूम नहीं है, पर शायद यही वाला रास्ता है। गजब है गजब, मैंने यही प्लेस का ना, मैंने जो है फ़ोटो देखा था, ठीक है, यही वाला प्लेस का मैंने फ़ोटो देखा था, तब मैं सोच रहा था कि ऐसा जगह में कितना बढ़िया वीडियो बनेगा, वाओ इट्स जस्ट ऑसम गाइस। तो आप भी आ सकते हो, रास्ता में तो उतना कुछ देखने को मिला नहीं, पर फर्स्ट टाइम जब मैंने हमने लिया ये मेन जो जगह हम लोग जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में इतना बढ़िया सा प्लेस हमें देखने को मिला है, बवाल है बवाल। आओगे तो जरूर खो जाओगे, शायद हम लोग सही रास्ते पे आए। हाँ सही रास्ता है, क्योंकि ये मैंने देखा था फोटो में। तो रास्ता यही वाला है, और पता नहीं ये कौन सा गांव है, कोई तो गांव है ये, पर घर वगैरह भी है बहुत ज़्यादा,
गांव है और यहाँ पर तो सब कुछ ना डिपेंडेड यही जो है ना खेत वगैरह देख रहा हूँ ना, फार्मर ज़्यादा मिलेगा आपको यहाँ पे। ये खेत वगैरह देख के मालूम चलता है कि इन लोग के इनकम सोर्स यही खेत है, जो चावल वगैरह जो भी उठता है ये बेच के उन लोग अपना संसार चलाते हैं यहाँ पे। ओह ये है मेला बस्ती, जगह का नाम है मेला बस्ती है ये। और मेरा जो लुकिंग ग्लास है ना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, देखिए ना हमेशा गिर जा रहा है बार बार ये। इतना अंदर भी मतलब कोई एक गाँव है वो मुझे मालूम नहीं था कि इतना अंदर भी कोई गांव हो सकता है। बेहतरीन नज़ारे के साथ साथ इतना सुंदर सा गांव, और गांव के बाद में ही है एक पार्क। तो यहां तक आने के बाद में आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट, देखिए बढ़िया से देखिए प्लेस को, ठीक है इधर से लेफ्ट लेना है तो इधर से आप लोग पहुंच जाएंगे। यहां से तो सामने ही है जादुर ने शायद। हाँ यस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये वाला रास्ता है। बाप रे काफ़ी डरावना है, पर रात में तो थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है रात में, तो बिल्कुल मत आना आप लोग। यही वाला है जगह जो है, ये रहा ब्रिज। बाइक तो पार नहीं हो पाएगा, चलिए बाइक यहीं पे रख देता हूँ। वाह फर्स्ट व्यू में जो है ना फर्स्ट व्यू भी कातिलाना है यहाँ का। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके और प्लेस तो आप देख ही सकते हैं पीछे में है, और काफ़ी सारा विजिटर्स यहाँ पे आके भी रखा है, देखिए ना फिशिंग विशिंग करने के लिए। अब फिशिंग करना तो अलाउ नहीं है, पर अब ये बैंड हो चुका तो कोई कुछ कहेगा नहीं आपको, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। और जो है ना बहुत ही बड़ा सा इको पार्क है, मैं आपको अभी घूम के दिखाऊंगा पूरा, ठीक है हाइपरलैप्स में। और उधर में भी एक थोड़ा सा कॉटेज वगैरह बना हुआ है, देखिए ना जो कि बंद हो चुका है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वो सीढ़ी वगैरह जो है ना ऊपर चढ़ने का वो भी यहाँ से आधा से काट दिया है कि शायद कि ऊपर में कोई जा ना सको। तो एरिया जो कि बहुत ही ह्यूज ह्यूज। और जाते आगे में, उधर आगे में आपका घूमने के लिए थोड़ा सा मतलब है ना झरना जैसा बनाया भी है शायद, मैंने फोटो में देखा था, आप देखते हैं आगे जाए क्या है। नहीं चलिए जाते हैं आगे में, देखते हैं अगल बगल में क्या है। यहाँ पे तो बोटिंग भी शायद होता है, पर पहले शायद होता था। इसको बंद करने का कारण जो है ना मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा अंदर है ना
तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर में पड़ता है, तो इसलिए सब बंद कर दिया यहाँ पे। कैसा लगा भाई? अच्छा वहाँ पे, चलो देख के आते हैं। भाई तो बोल रहा है अच्छा आगे में, तो मैं भी थोड़ा जाके आता हूँ ना, देखता हूँ कैसा है नहीं है। तो गाइस आप लोग प्लीज़ आना यहाँ पे, मैं तो एकदम पूरा रिकमेंड करूँगा आपको आने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हुआ है ना ये प्लेस। एकदम कूल काम रिलैक्सिंग प्लेस है एकदम। ओह अच्छा, यहाँ पे नहाता भी है बहुत कोई, पर पानी तो उतना सा है ना, जो सफा नहीं है पानी, देखिए ना पानी उतना साफ नहीं है यहाँ पे। तो देख लिया आपने ना, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये पार्क का दूसरा पार्ट, ठीक है। अब जो है ना कि मुझे वो उधर में दिख रहा है छोटा सा कॉटेज जैसा है ना ऊपर में बना हुआ है ना, अभी मैं वहाँ पे जाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ऊपर से कैसा व्यू मिलता है। तो इधर में तो और देखने का कुछ है नहीं, पर वो जो झील है यहाँ पे वो तो बहुत ही ह्यूज है, और आप यहाँ पे भी चढ़ सकते हो, पर वो सीढ़ी जो है ना वहाँ पे उतना मुझको मजबूत नहीं दिख रहा है वो। और इधर आगे में कुछ है नहीं, उधर आगे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो अब लौटता हूँ यहाँ से और जाता हूँ वहाँ पे ना, वो जो दूर में दिखा था ना मैं, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसा व्यू मिलता है। तो अब ये वाला जो प्लेस है ना, ये थोड़ा सा दूसरा है, मतलब ये पार्क के अंदर में गिरता है। तो हम लोग पहले उधर से आए ना, उधर से आए हम लोग, ये रास्ता होके आए, और ये जो है ना देखिए ना, यही देख के मैं आया हूँ, फोटो में भी मैंने यही देखा था, और जाऊँगा ऊपर में। तो पहले यहाँ से जो विजिबल जो नज़र आता है वो आप देख लीजिए, चलिए जाते हैं अंदर देखते हैं। जगह तो काफी डरावना है। ओ भाई क्या का साउंड है, ओ भाई क्या है अंदर, आवाज सुना आपने? ओ ये प्लेस में अगर बोटिंग वगैरह होता तो फिर बढ़िया सा एक ना जो है आपका टूरिस्ट का अट्रैक्शन बनता ये वाला प्लेस, पर ये गवर्नमेंट का दोष है, सरासर गवर्नमेंट का दोष है, ये दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर दिस वर्स। अब देखिए ऊपर से जो व्यू मिलता है, देख रहे हो कौन नहीं, ऊपर से जो नजारा है ऐसा दिखता है। वेल गाइस आई थिंक कि आपको ये वाला प्लेस बहुत अच्छा लगा हो, और ये जो प्लेस हिडन प्लेस इन डुअर्स जो मेरा मोटिव है दिखाने के लिए सबको, कि डुअर्स में बहुत सारा जगह है जो आदमी लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। पर जो टाइमिंग मैंने बताया था ना आपको, जो टाइमिंग है सुबह को आना, ज़्यादा शाम को मत आना यहाँ पे, क्योंकि एरिया थोड़ा ठीक नहीं है, पूरा जंगल इधर उधर, तो 10 से 1 बजे तक या 2-3 बजे तक आ सकते हो, उसके बाद में मत आना क्योंकि बहुत अंदर है ना ये। वेल जो चैनल पे नए देख रहे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड टू ऑल माय व्यूअर्स जो पुराना व्यूअर्स है मेरा, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहना। जल्दी 2K पहुँचने वाला है, उसके बाद मैं छोटा मोटा पार्टी दूंगा मैं, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में सबको डालूंगा मैं, आने के लिए इनवाइट करूंगा सबको मैं, तो अगर हो पाए तो प्लीज़ आना। ओके सो बाय, टेक केयर, सी यू।